बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम आपको घास लगाने का तरीका बताते हैं। ये घास है कोरियन, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, ये मैं आपको सामने लगा घास लगाने लगा हूँ। एक तरीका होता है ये कि इसके चोपे लगाते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए। मिट्टी ऐसे डालनी है आपने, ये फल है खाल की फल, और एक होती है ये रेत, ये टिब्बे वाली रेत। दूसरा ये तरीका आपको हम बताते हैं, ये फल डालते हैं, ये रहती है ठंडी, ज्यादा ठंडी रहती है, घास जल्दी होता है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा करके ना लगाते हैं। जब ऐसे लगाएंगे ना, इसमें ये खला है, खला, ये जल्दी पूरा नहीं होता। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, वो ये है कि आपके सामने ये हम आपको तरीका बताते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे, क्यों ऐसे घेरना, ऐसे ये भाग तमाम ग्राउंड में, सारे ग्राउंड में ऐसे ऐसे लगाना है। एक तो इसमें टाइम भी बच जाता है, जल्दी काम हो जाता है। ये घास है विक्टोरियन। घास की बहुत ज्यादा वैरायटी होती हैं। ये है कोरियन है, और ऑस्ट्रेलियन, ये फाइन ढाका, ढाका सुपर ढाका, ये ऐसे घास है, जर्मन घास होता है। ये है कोरियन, बहुत नरम होता है। ये देखें, ये मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये देखें, बहुत नरम घास। जब ये घास बिल्कुल हो जाएगा ना, इस पर मशीन मारेंगे तो ये ऐसे होगा जैसे हमने पाँव जो है ना पाँव पे रख लिया है, ऐसे होगा घास, बहुत अच्छा घास। ये घास जहाँ तक हम मुकम्मल करते हैं, उसके बाद अगला प्रोसीजर हम आपको बताएंगे बाद में इसका क्या करना है। तो हाँ जी, ये है हमारे घास, यहाँ से इस साइड से यहाँ इधर इधर लगाते हैं। ये खाली हमने बनाई है, ये मिट्टी उठा के दीवार के साथ लगाई है ताकि इसको नमी, दीवार को कुछ अपना नुकसान ना हो। और उसके बाद ये घास लग जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें और पौधे लगाएंगे, यानी कि गुलाब हो गया, और फैक्स हो गया, ब्रश बश फैक्स हो गया, ऐसे डेंटा फैक्स हो गया, वो पौधे इधर लगाएंगे कटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए।
अगर हमारे दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अगर आप नए हैं तो ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं और ये आप कोशिश करें हम हमारी वीडियो को पूरा देखें। ऐसे घास लगाते हैं ना तो टाइम बहुत बच जाता है। ये देखो कैसी नरम मिट्टी है, फल है ये। जो उस पर मिट्टी डालनी है ना, जो वो सैंड पे इकट्ठी करके रख ले ताकि वहाँ खला ना पड़े, वो ग्राउंड खराब ना हो। ये देखें मिट्टी डालनी है ऐसे है, ये देखें ये मिट्टी डाल के ना, जब मिट्टी डाल गई तो उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे हर रोज तकरीबन, जब ये होगा ना तकरीबन एक माह के बाद हम इसके मशीन चलाएंगे और ये ग्राउंड बनेगा, आपका ग्रास प्लॉट तैयार हो जाएगा। हाँ, अब मिट्टी डालते हैं ना, थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कुछ नहीं होता, घास हो जाता है। ऐसे मिट्टी डालनी है, जब इस पे मिट्टी डाल देंगे ना तो फिर इस पे पानी लगाएंगे, पानी लगा के और इसको बिल्कुल जो ना पानी इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक महीने के बाद घास तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम ये घास लगाएंगे, घास लगा के इसको मिट्टी डालेंगे, उसके बाद जो मरहला है वो पानी का है, वो पानी भी हम आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है। हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो अच्छी लगे तो हमें कमेंट भी करें।